वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रतीक्षा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन आइटम्स फ्रॉम मीशो, जो कि होने वाला है स्टार्ट 172 की रेंज से। अगर आपको नहीं पता मीशो क्या है, मीशो एक ऑनलाइन रिटेलिंग ऐप है जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। सो, अगर आप मेरे लिंक से मीशो को डाउनलोड करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे ₹100 और 30% का डिस्काउंट मिलेगा। सो डाउनलोड मीशो फ्रॉम द लिंक। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास फर्स्ट आइटम है ये बास्केट। ये सेट ऑफ 3 का बास्केट है, एक सबसे छोटा, फिर मीडियम साइज का और एक बिग साइज का। 3 साइज के कुछ इस तरीके की डिजाइन में हमको दिख जाता है ये बास्केट। प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसको हम अपने फ्रूट्स वगैरह के लिए और किसी भी वेजिटेबल्स, कोई भी हमें सामान रखना है किचन में उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सो ये मुझे रिसीव हुआ है 200 की रेंज में। रेंज के हिसाब से इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, मटेरियल काफी अच्छा है। एक प्लास्टिक, एक मतलब लो क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, काफी अच्छा मटेरियल है प्लास्टिक का। सो आई थिंक यू शुड बाय इट। सो गाइस, सेकंड हमारे पास है ये ब्यूटीफुल सा ड्राई फ्रूट रखने का बॉक्स, जो कि काफी सुंदर है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। इसके ऊपर पे आपको ये दिख जाता है यहाँ पे छोटा सा हट, इसमें भी हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से खुलता है। हमें इसमें मिल जाते हैं 10 सेक्शन, नीचे की तरफ कुछ बड़े इस तरीके से और ऊपर की तरफ छोटे इस तरीके से। एक फ्लावर डिजाइन बन के आता है इसमें, काफी सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल पे हम इसको रख सकते हैं, काफी सुंदर लगता है। अच्छा सा सोप पीस का लुक भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये। इसकी क्वालिटी भी ठीक है, मतलब मैं बहुत अच्छी भी नहीं बोलूंगी लेकिन ठीक है, नॉट बैड। तो आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। मुझे तो बहुत पसंद आया ये। मुझे ज्यादातर मुझे इसको खोलने में बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं, मजा आता है मुझे इसको बार बार ऐसे खोलने में। एक डिजाइन बन के आता है क्योंकि ये, तो आई लाइक इट। नेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ है ये किचन टूल्स का कुछ ये आइटम, जिसको हम यूज करते हैं अपने किचन में। ये 3 के कॉम्बो में इसमें मुझे ये 3 चीजें रिसीव हुई है। फर्स्ट पिज्जा कटर, सेकंड ये विक्सर, थर्ड वन ये मैश करने के लिए आलू वगैरह या कुछ भी चीज मैश करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। किसी चीज को फेंटने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये भी काफी अच्छा है। थर्ड वन इज हमारा पिज्जा कटर, हम इसको किसी भी चीज को कट करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये पिज्जा कटर है लेकिन आप इसे और भी चीजें कट कर सकते हैं। ये 3 कॉम्बो मुझे रिसीव हुए 216 की रेंज में, विच इज गुड। मतलब क्वालिटी काफी अच्छी है, मटेरियल काफी अच्छा है। 216 की रेंज में 3 रिसीव होना, सो आई लव इट। मार्केट में हमको एक ही चीज लगभग 150 रुपए की तक मिल जाती है, आई गेस। मतलब मैं श्योर नहीं कह सकती हूँ लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है। सो मीशो में मुझे ये 216 का रिसीव हुआ है, सो दिस इज गुड। नेक्स्ट मेरे पास है ये नॉन स्टिक पैन, ये मुझे रिसीव हुआ है 290 की रेंज में। अंदर की तरफ हमें कुछ इस तरीके से दिख जाता है ये और पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बाहर की कंपैरिजन काफी सही रेंज में लगा। मतलब मैंने एक बार चेक करने के लिए मंगाया कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है, तो दिस इज ऑल्सो गुड। इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है ये ऑयल कुकिंग ब्रश, ये मुझे इसके साथ फ्री रिसीव हुआ है। इसका एक्चुअल प्राइस 180 या 170 समथिंग का है, मतलब 290 की रेंज में मुझे ये दोनों चीजें रिसीव हो गई है। सो आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। सो गाइस, नेक्स्ट आई हैव दिस फ्रूट जूसर। दिस फ्रूट जूसर ये प्लास्टिक मटेरियल में है। इसमें आपको हमें यहाँ पे से दिख जाता है, यहाँ पे प्रेस करने के लिए हम कोई फ्रूट वगैरह डालते हैं उसको प्रेस करने के लिए। और उसके साथ मुझे ये एक छोटू सा ग्लास भी मिला है। हम इस तरीके से इसको चलाएंगे तो हमारा यहाँ से जूस हमें मिलेगा। मतलब मैंने ये एक्चुअली इसलिए मंगाया था, हमने ये होममेड जूस बनाने का सोचा कि हम घर में जूस बनाएंगे, दैट्स व्हाई आई बाय इट। सो ये काफी मतलब अच्छा है, मतलब मैंने एक दो बार इसको ट्राई कराया।
इसमें काफी कलर्स थे लेकिन मुझे ये ग्रीन कलर रिसीव हुआ है। मीशो में मैंने एक चीज नोटिस करी है, हम जो भी कलर ऑर्डर करते हैं या हमें चाहिए होता है उसका मतलब आइटम हमें कोई भी कलर का रिसीव हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर जो हमने ऑर्डर कराया वो कलर रिसीव नहीं होता है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा सरप्राइज सब मिल जाता है कि हमें कोई सा भी कलर। मतलब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि ऐसा होता है, हम उसमें बाई करते हैं तो एक कलर हमें कुछ डिफरेंट सा मिल जाता है। सो जैसे कि मतलब जो भी कलर मैं प्रिफर कर रही हूँ तो उसके थोड़ा मतलब कोई भी ऑप्शन जो भी उसमें है वही कलर रिसीव होता है, एक पर्टिकुलर कलर रिसीव नहीं होता है। सो दिस इज आई शेयर विद यू। और इसी के साथ मुझे कॉम्बो में रिसीव हुआ है ये ब्लेंडर, हैंड फ्री ब्लेंडर। इसे हमें कुछ इस तरीके से प्रेस करना होता है, हमारी जो भी चीज है वो ब्लेंड हो जाएगी। इस तरीके से हमें ब्लेंड करने के लिए मिलता है ये, इसके साथ हैंड एक्सरसाइज भी हो सकती है हमारी। सो मोस्ट ऑफ थिंग्स ये है कि मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं कॉम्बो में मंगाऊं। एक्चुअली अगर मैं उनको सिंगल बाय करती हूँ तो मुझे उनका प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है, कॉम्बो में मुझे काफी बेनिफिट मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने काफी चीजें यहाँ पे कॉम्बो में मंगाई है। आई हैव सजेशन फॉर यू कि अगर आपको कभी भी कोई चीज मंगानी हो ऐसे किचन आइटम्स या फिर कोई भी ऐसे होम डेकोर आइटम्स, तो आप प्रिफर करो कि आप उसे कॉम्बो में मंगाओ, क्योंकि कॉम्बो में हमें काफी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको इजिली रिटर्न भी करा सकते हैं। सो दिस इज ग्रेट। नेक्स्ट आई हैव दिस ग्लव्स, ये मुझे रिसीव हुआ है 172 की रेंज में। दिस इज बेस्ट फॉर योर डिश वॉश, बर्तन धुलने के लिए ठंडियों में, या फिर हम चाहते हैं हमारे हाथ गंदे ना हो, हमारे नेल्स ना खराब हो जाएं, तो उस चीज के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक क्वालिटी या रेंज के हिसाब से हमें सही मिल जाता है। सो दिस इज ग्रेट, आई होप आपको भी पसंद आया हो। नेक्स्ट आई हैव ये कंटेनर, मतलब स्टोरेज बॉक्स, तो ये मुझे रिसीव हुआ है सेलो ब्रांड का। इसमें मुझे रिसीव हुआ है 18 कंटेनर अलग अलग डिफरेंट साइज के। सबसे पहले ये बिग साइज, देन ये मिडिल साइज, एंड देन ये छोटू सा, ये स्मॉल साइज। और ये मुझे रिसीव हुआ है 384 के रेंज में, 384 में 18 कंटेनर। यही मैंने बिग बाजार से चेकआउट करा था, बिग बाजार में मुझे 500 समथिंग का था, क्वांटिटी काफी अच्छी आ जाती है। सो हम इनको बड़े वाले बॉक्स में हम दाल वगैरह भर सकते हैं, और मीडियम में हम चीनी चाय पत्ती वगैरह रख सकते हैं, और देन छोटे वाले में हम कोई खड़े मसाले वगैरह रख सकते हैं। एक लुक सा भी आ जाता है काफी अच्छा, एक सेट आपका बन जाता है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारे पास है ये फूड क्लिप्स, ये कुछ इस तरीके से है। इसको हम यूज करते हैं कोई भी, अगर हमें सामान हमने घर में यूज करा है तो हम उसको इस तरीके से सील कर सकते हैं ताकि उसको खराब ना हो, तो उस चीज के लिए हमने इसको मंगाया था। मतलब जैसे हम कोई भी नमकीन का पैकेट खोल लेते हैं, कोई भी चिप्स वगैरह का पैकेट खोल देते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है उसको सील करने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई बाय इट। ये हमें मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज में। सबसे पहले हमारे पास की बिग साइज, देन दिस मीडियम साइज, एंड लास्ट दिस लिटिल वन, ये छोटा सा, मतलब कोई भी छोटे पैकेट वगैरह है उस चीज के लिए। ये मुझे रिसीव हुआ है 18 डिफरेंट डिफरेंट कलर में, पिंक ब्लू एंड ग्रीन कलर में। सो ये काफी यूजफुल होती है हमें, मतलब मार्केट में मुझे यही 6 मुझे रिसीव हो रहे थे 150 की रेंज में। रेंज के हिसाब से क्वालिटी काफी सही है। सो आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। सो गाइज दिस इज इनफ फॉर टूडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और आप और किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं आप ये भी मुझे बता सकते हैं। मैं इन सारे प्रोडक्ट के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर, आई मेंशन माई अकाउंट ऑन द स्क्रीन, सो यू कैन चेक आउट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।